नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात उन सरकारी कंपनियों की जिन्हें शानदार कामकाज की वजह से नवरत्न जैसा सम्मानित नाम दिया गया था, लेकिन आम जनता के पैसे से खड़ी की गई ये कंपनियां अब बिकने की कागार पर हैं। मोदी सरकार ऐसी कई कंपनियों को बेचने की फिराक में है। इनमें बीपीसीएल जैसी मुनाफा कमाने वाली कंपनी भी शामिल है। चर्चा ये भी है कि सरकार घाटे में चल रही बीएसएनएल और एमटीएनएल को भी बेचने जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि जब सरकार कॉरपोरेट टैक्स में छूट देकर प्राइवेट सेक्टर की मदद कर रही है और इसके लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाने को तैयार है, तो सरकारी कंपनियों के साथ सौतेला बर्ताव क्यों? अगले आधे घंटे हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं भारतीय मजदूर संघ के नेता गिरीश आर्या, एमटीएनएल एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के महासचिव वीके तोमर, बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के महासचिव सेबेस्टियन के और बीजेपी नेता महेश वर्मा। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले आपको सुनाते हैं कि विपक्ष इस मामले में क्या कह रहे हैं। 4 रिफाइनरीज विद बीपीसीएल, 14,800 पेट्रोल पंप्स, 14,800 पेट्रोल पंप्स हैं, 123 पेट्रोल डिपो हैं, 52 एलपीजी प्लांट्स हैं, 5,907 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 56 एविएशन सर्विस स्टेशंस हैं, 7 देशों में प्रेजेंस है, मौजूदगी है। बीपीसीएल इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, 8 सहायक कंपनीज हैं, सब्सिडियरीज हैं, और 31 मार्च 2019 तक इस कंपनी ने अपना कुल मुनाफा 16% बढ़ा भी दिया था। फोर्ब्स 2018 की लिस्ट में इसका नाम है, और आप 68,000 करोड़ में इसको बेचने को तैयार हो गए हैं। गिरीश आर्य जी, बीपीसीएल के बारे में तो हम अभी बात करेंगे, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं एमटीएनएल और बीएसएनएल के बारे में। पहले तो बात थी कि 74,000 करोड़ रुपए इसमें डालकर सरकार इन कंपनियों को बचाएगी, अब अचानक ऐसा क्या हुआ है कि वित्त मंत्रालय ने इन कंपनियों को बंद करने का सुझाव दे डाला है? देखिए, जो प्राइवेटाइजेशन का खेल है, या बीएसएनएल हो, एमटीएनएल हो, या कोई भी पब्लिक सेक्टर जो प्रॉफिट गेनिंग पब्लिक सेक्टर्स हैं, ये खेल जो है आज से शुरू नहीं है, ये खेल बहुत पुराना है। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये डिसीजन लिया कि हम सर्विस सेक्टर से अपने आप को विड्रॉ करेंगे, और सर्विस सेक्टर से विड्रॉ करने के लिए उन्होंने जो है एक के बाद एक जो है एक्शंस लिए। 1984 में उन्होंने जो है एमटीएनएल और बीएसएनएल दोनों को जो है इसको प्राइवेटाइज करने के लिए या कुछ और बदलने के स्वरूप बदलने के लिए उन्होंने कोशिश की, दुर्भाग्य से उनकी हत्या हो गई। उसके बाद जो राजीव गांधी जी आए, तो राजीव गांधी जी ने तुरंत टेलीकॉम कमीशन बनाया, और टेलीकॉम कमीशन बनाने से ये डीओटी से 1986 में एमटीएनएल बन गया, बीएसएनएल 2000 में जाकर के पब्लिक सेक्टर बन गया। ये जो है, ये फिर 91 में सरकार ने एक कदम आगे फिर बढ़ाया, उन्होंने कहा कि जितने भी जो है पब्लिक सेक्टर्स हैं, हम उसके उस स्वरूप को नहीं छोड़ेंगे। एलपीजी कल्चर के माध्यम से उन्होंने और आगे बढ़ाया, और उन्होंने जो प्रॉफिट गेनिंग पब्लिक सेक्टर से उनकी प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक सेल, उस पर काम करना शुरू किया, और वहाँ से करते करते आज इस स्थिति में आ गए कि ये सरकार और तेज़ी से आगे बढ़ करके। तो इस सरकार को तो चाहिए था ना कि जो नेहरू गांधी परिवार करते हुए आया उसको ना करे, हर एक चीज़ के लिए हम उनको थोड़ी ब्लेम करेंगे, उन्होंने शुरू किया था इसलिए हम भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, किसी को भी किसी तरह से कोई गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। इस सरकार में पॉलिटिकल जो सरकारें हैं वो केवल जो है मुखौटा हैं, जो असली सरकार हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स जो इंदिरा जी के टाइम में कर रहे थे, वही ब्यूरोक्रेट्स राजीव गांधी के टाइम पर कर रहे थे, वही ब्यूरोक्रेट्स जो है नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में कर रहे थे, और वही ब्यूरोक्रेट्स जो है मोदी सरकार पर भी हावी हैं। तो ये सरकार जो है, ये पॉलिटिकल सरकार, हम इसको सरकार नहीं मानते। असली शिकंजा अभी भी जो है, आपने सुना हो, मैं कोई ऑथेंटिक तरीके से नहीं कह सकता, मगर सरकार में भी द्वंद चल रहा है एमटीएनएल और बीएसएनएल को। सरकार चाहती है, कुछ तबका चाहता है कि इसको रिवाइवल कराया जाए, और फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहती है कि नहीं, हम रिवाइवल नहीं करेंगे। तो अभी सरकार के बीच में भी इसमें द्वंद चल रहा है। जहाँ तक भारतीय मजदूर संघ का सवाल है, भारतीय मजदूर संघ बिल्कुल डिटरमाइंड है कि हम प्रॉफिट मेकिंग हो या लॉस मेकिंग हो, हम तो ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी पूंजी आज पब्लिक सेक्टर्स के पास है,
हम वो पब्लिक सेक्टर हिंदुस्तान के वो हैसियत रखते हैं कि जो हमारी सिख हो गई हैं गवर्नमेंट की नीतियों के कारण जो सिख पीएससी हो गई हैं, हम उनके रिवाइवल के लिए भी हमारे पास पैसा है, उनको भी हमें दिया जाए और हम उनको भी रिवाइव कराएंगे। बीएसएनएल और एमटीएनएल तो हार्ट हैं, जब कोई भी आप देखते ना आप करवा पाते हैं कि नहीं, दे तो देखने की बात है। हमारा काम क्या है कि हमारे गर्दन पर तलवार है। अब जो है कोई कहता है करवा पाते हैं नहीं करवा पाते, भाई तलवार जो हमारी तरफ आ रही है कम से कम उसको रोकने का तो प्रयास करेंगे ना। ठीक है, तो उमर साहब ये बताइए कि आपको लगता है कि इस तरीके से भारतीय जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं टेली कम्युनिकेशन में, सामरिक संचार माध्यम जो है, उनको इस तरह से बेच देना जिसमें ये भी खतरा है कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा और हिंदुस्तान के प्राइवेट सेक्टर नहीं, हो सकता है विदेशी कंपनियों के हाथ में चला जाए, इससे क्या राष्ट्रीय सुरक्षा पे कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नौकरियों की बात हम बाद में करेंगे, पर पहले ये बताइए कि नेशनल इंटरेस्ट में है कि नहीं है ये? बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है। अगर हम कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें, मैं जो बात आर्य साहब ने शुरू की थी उसको थोड़ा आगे और बढ़ाते हुए, खासकर जो आपका एक पॉइंट है कि कम्युनिकेशन का देश पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं 94 की न्यू टेलीकॉम पॉलिसी से थोड़ा सा इसको लेना चाहूँगा। पहले ये समझ लें कि कितना बड़ा रोल है पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए। 94 में जब न्यू टेलीकॉम पॉलिसी आई तो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि ये मोबाइल सर्विसेज में केवल प्राइवेट ऑपरेटर रहेंगे, गवर्नमेंट नहीं रहेगी। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा एजिटेशन किया और हाई कोर्ट तक हम लोग गए कि मोबाइल में गवर्नमेंट कंपनी को भी अलाउ किया जाए, जब एमटीएनएल और बीएसएनएल को भी। ये होते होते जब आप देखिए 95 में जब एयरटेल आया तो आउटगोइंग कॉल 16 रुपये की होती थी एक मिनट की और इनकमिंग कॉल 8 रुपये की होती थी। इससे आपको समझ आ जाएगा पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस कंट्री के लिए कितनी है, नॉट ओनली टेलीकॉम सेक्टर, पूरे सेक्टरों में कैसे पब्लिक सेक्टर की कंपनियां देश के लिए काम करती हैं। वही एयरटेल जो 16 रुपये और 8 रुपये की कॉल करता था, जैसे हमने 2001 में एमटीएनएल बीएसएल ने जैसे ही अपनी, हम लोग वो जीत गए कि सरकार ने कहा ठीक है एमटीएनएल भी लेंगे, तो जैसे ही हमने अपनी सर्विसेज शुरू की पहले दिन ही जो आउटगोइंग कॉल 16 रुपये की थी वो 2 रुपये की हो गई और इनकमिंग कॉल फ्री हो गई। तो एक सबसे बड़ा ये है कि अगर पब्लिक सेक्टर की कंपनियां मार्केट में नहीं हों तो प्राइवेट कंपनियां देश के सिटीजन्स को पहले तो लूटेंगी और अपनी मोनोपोलीज करके चलेंगी। प्राइवेट मोनोपोली उससे ज़्यादा खतरनाक है गवर्नमेंट मोनोपोली। तो एक तो ये कम्युनिकेशन, दूसरा सीक्रेसी का बहुत बड़ा इशू है। ये बात कई बार सरकार की तरफ से भी आई है कि प्राइवेट कंपनियां आर्म ट्विस्टिंग करती हैं, कई सारी बहुत सारी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन लीक हो सकती हैं कंपनियों की जो गवर्नमेंट कंपनी में नहीं हो सकती। तो ये देश के हित में बिल्कुल नहीं है अगर सरकार ऐसा कदम बढ़ाती है। ठीक है, सेबेस्टियन साहब ये बताइए, दुनिया में कोई देश है जिसने अपने स्ट्रेटेजिक टेलीकॉम एसेट्स को विदेशी कंपनियों के हाथ में बेचा हो? जब इटालियन टेलीकॉम ने डॉयशे टेलीकॉम जर्मन कंपनी को नहीं बेचा जबकि दोनों ईयू में हैं और अपने देश के अंदर ही रखा दूसरी कंपनी को बेच करके, तो भारत को क्या एमटीएनएल और बीएसएनएल को बेचना चाहिए जबकि वो विदेशी कंपनियों के हाथों में जा सकती हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, यू कैन से एवरी इवन वेस्टर्न कंट्रीज देर इज ए गवर्नमेंट ऑपरेटर इन ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो देर इज ए सरकारी ऑपरेटर है। वेस्ट में क्यों, जापान में जापान टेलीकॉम है, सिंगटेल है, इन चाइना सेटी एंड हुआवे is under the control of the government. So either it is in the left orient or this one capitalized base, this one countries, there is a government operator there due to various reasons. One is that one, security reason. Now when it comes to the question of a disinvestment or the sale, I can say that one, if in this country nobody will be having the capacity to purchase BSNL, because the asset of BSNL is more than 3 lakh crore. If it is a properly auctioned means nobody will be having the capacity to purchase BSNL. That is first thing. Otherwise you have to give just like... आप कह रहे हैं विदेशी कंपनियां ही खरीद पाएंगी? Yes, that is sure. जी. Otherwise it has to be give on a throwaway price as it is happened in a Century Hotels or etc. Earlier happened that one. And today security, when we are talking about security, जी. Recently in J&K, today also only BSNL is providing services. No other operator is able to provide services today in BSNL. Oh, landline. Landline and mobile also. Mobile also closed down.
only the white list has been given to BSNL customers and the BSNL as a running with the huge losses they are maintaining services in this one for the security forces and limited VIPs and others. No other operators, if the government is having no concern with the BSNL or government operator, why they didn't allow the other operators to provide the services during this crisis situation? When it comes to the other issue, Digital India, it is a dream project of this government. I can say that one, if BSNL is not there, then Digital India concept is not having any meaning at all, because more than 20,000 exchanges in the rural and uneconomical area, that exchange is only connecting this one. Our rural connectivity is given entirely by BSNL. The day BSNL is closed down or anything is happening to BSNL, the Digital India concept will go. Okay, theek, I'll come back to you. महेश वर्मा जी, आपने सुनी सब ये बातें, ट्रेड यूनियन के नेताओं की बातें, अब क्या आपको लगता है कि BSNL और MTNL की ऐसी हालत है कि उनका भविष्य अंधकारमय है और इसलिए सरकार को फटाफट इसे बेच देना चाहिए? भारत जी, जो चिंता व्यक्त की गई वो दो तरह से व्यक्त की गई। एक तो ये कहा गया कि भाई इससे जो है हमारी आंतरिक सुरक्षा पे जो है असर पड़ेगा, और दूसरा ये कहा गया कि ये एक तरह से जो है BSNL को जो है विदेशी कंपनियों के हाथ में बेच के और यहाँ पे जो हमारे काम कर्मचारी अधिकारी या कह लीजिए कि एक तरह से एक बेरोजगार करने वाली बात जो है वो उससे वो स्थिति उत्पन्न करने की जो मंशा है वो सरकार की है। मैं दोनों बात से असहमत हूँ, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा की बात अगर आप करेंगे तो 1961 में जब इस देश में टेलीफोन की शुरुआत हुई थी उस समय आपके देश में सैटेलाइट नहीं था, आप वेव कहीं से लेते थे और उस वेव को कहीं आप इस्तेमाल करते थे, तो वो भी आपको सोचने की ज़रूरत है कि आंतरिक सुरक्षा के ऊपर जो है ढोल पीटना कितना वाजिब है। दूसरी बात कि जब हमारे देश के संचार मंत्री ने पार्लियामेंट में ये साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि BSNL को बहुत स्ट्रेटेजिक ढंग से हम जो है इसका डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आज हम ये कह दें कि हम इसको विदेशी हाथों में बेच दिए। आप उन सब चीज़ों को क्यों भूल जाते हैं हम लोग जब ये सब बातें करते हैं? तो इस देश में जो है बहुत ऐसी स्वदेशी कंपनी थी जो विदेशी हाथों में बेची गई। इस देश में बहुत ऐसा कुछ हुआ, दिल्ली राजधानी है जहाँ की पूरा बिजली कंपनी जो है रातों रात जो है कांग्रेस सरकार ने जो है प्राइवेट हाथों में बेचा। DMRC जो है कई जगह जो है प्राइवेट हाथों में चल रही है। तो मेरा ये कहना है कि ये चिंतनीय नहीं है, चिंतनीय जो बात है वो ये है कि तील को ताड़ बनाना। तो मैं आपसे हित में क्या है जी, एक मिनट रुकिए महेश जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर ये क्यों प्रपोज, फिर हुआवाई से आप क्यों डरते हैं? उनको आने जी दे 5G में, उसमें भी ये सोल्यूशन ढूंढा जा रहा था कि बॉर्डर एरियाज में जहाँ डिफेंस रिलेटेड कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे हुआवाई को नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये चिंता जो है आप कहें कि चिंता है ही नहीं, बेकार की बात है, तो फिर ये तो सरकार को फिर कहना चाहिए कि आने दीजिए ना 5G में चाइनीज कंपनी को, क्यों नहीं आने दे रहे? भारत जी उससे इसको अगर रिलेट करिएगा तो वो विषय दूसरा है, ये विषय दूसरा। नहीं नहीं, बिल्कुल दूसरा नहीं, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन वो भी उसमें भी है इसमें भी है, मोबाइल से करें, लैंडलाइन से करें, किस कंपनी का टेलीफोन इस्तेमाल करें, इससे फर्क पड़ता है विदेशी कंपनी है कि हिंदुस्तानी कंपनी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जरूरी है कि सारा ये MTNL BSNL विदेशों के हाथ में जा, हो सकता है अंबानी के हाथ में चले जाए, रिलायंस जियो में चले जाए, हो सकता है भारतीय एयरटेल के पास चले जाए, पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा पैसा आपको वोडाफोन देगा या ज्यादा पैसा आपको कोई विदेशी कंपनी देगी, और आपका पूरा मकसद ये है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा उगाया जाए, नहीं तो आप इन कंपनियों को बचा लेते। अब अगर आपकी बात खत्म हो तो मैं उसका जी बिल्कुल खत्म होगी, बोलिए आप। हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप हुआई वाली बात कह रहे हैं, अगर आप देखिए कि वोडाफोन जो यहाँ पे SR को टेक ओवर किया, या इसी तरह से और विदेशी कंपनियाँ जो आईं जो भारत के हित में हैं, उसको लेकर कभी कोई अड़चन पैदा नहीं हुई। हमें ये चीज़ ध्यान में रख के बात करनी चाहिए कि हुआई के बारे में हमने अगर ये बात कही है तो क्यों कही है, उसका कारण क्या है। चाइना हमारा एक प्रतिद्वंदी है, चाइना के प्रति, चाइना का भारत के प्रति क्या रुख रहता है, और
नेहरू जी के रिज्यूम में हमने क्या स्वाद चखाया उसने, और हम किस तरह से उसके साथ सतर्क तरीके से हम अपना संबंध रखते हैं, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से भली भांति समझते हैं। अगर इस चीज को हम अनदेखा कर दें और कल को कोई अनहोनी हो तो उसके लिए कह रहा हूं कि आप ही लोग कम्युनिकेशन उठाएंगे कि देखिए साहब एसेट्स दोनों जगह इन्वॉल्व है, पर हुआ वे की बात नहीं करते हैं, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तोमर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि BSNL MTNL को आज नए ग्राहक नहीं मिल रहे हैं? और वो तो छोड़िए, जो पुराने ग्राहक हैं वो भी इन कंपनियों को छोड़कर शहरों में, कम से कम गांव की बात नहीं कर रहा, शहरों में प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। वोडाफोन हुआ, रिलायंस जियो हुआ, एयरटेल हुआ। एक 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 आपको एक एक और आपको जानकारी दे दें, बोलिए, कि जियो जैसी कंपनी जो अभी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है इस देश में, वो भी अपना ये जो टावर बेस्ड या टावर मोबाइल का जो एक उसका कंसेप्ट है उसको धीरे धीरे सब लोग विड्रॉ कर रहे हैं, उससे वापिस आ रहे हैं, क्योंकि अब फाइबर ऑप्टिकल का ज़माना आ गया। जी जी। और हमारे देश में मैं आपको बताऊं, BSNL के कर्मचारी अधिकारी किसी को भी चिंता नहीं करनी चाहिए इस बात की। जैसे हमारे भारतीय मजदूर संघ के हमारे एक नेता जो कह रहे थे, वो वाजिब बात कह रहे थे, आज पोस्टल में कहीं नुकसान है तो हम पोस्टल थोड़ी बंद कर देंगे, हम चला रहे हैं ना, हमारे देश में चल रहा है ना, जो सोशल कॉज से चलता है उसको हम चलाएंगे। BSNL भी जहां जरूरत पड़ेगी वहां चलेगी। उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि जो स्ट्रेटेजिक, जो जिस तरह से जहां जरूरत पड़ेगी जितना डिसइन्वेस्टमेंट करने का जरूरत है, पूरा बंद करने की बात हो रही है, उसका रिवाइवल हो जाए, करने की बात हो रही है, MTNL BSNL को बंद करने की बात हो रही है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, BPCL में है, इन दोनों में नहीं है, की बात नहीं हो रही है, उसको मर्ज करने की, सर बंद मर्ज करने की बात नहीं। आपने फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ा नहीं, इसका मतलब वहां पे लिखा हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि इनको बंद कर दिया जाए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट सुनिए। हां सर, मैं पीछे छूट चुकी है, आपकी बात को मैंने मान भी लिया, मैं आपकी बात को ही परवान चढ़ाता हूं कि उसको परवान मत चढ़ाइए, आपने पढ़ी नहीं है रिपोर्ट, इसका मतलब मेरी बात को परवान मत चढ़ाइए, हम तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात को परवान चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मेरे को लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, अभी इस ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। तोमर साहब, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। RKDF University, a world-class university, जहां students को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो job creators बन सके, ना कि सिर्फ job seekers. So join NIRF-ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1-800-270-320. इस चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। तोमर साहब, मैं आपसे पूछ रहा था क्या कारण है कि BSNL MTNL को नए ग्राहक नहीं मिल रहे हैं और पुराने ग्राहक जो हैं शहरों में कम से कम छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा हमें थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़ेगा। बहुत लंबा आंसर मत दीजिए, केवल आप डेढ़ मिनट, आप कहते हैं डेढ़ मिनट में, क्योंकि वो फिर उसका पूरा आपको जवाब मिल नहीं पाएगा। जी जी। ये कंपनियां 2009 तक दोनों कंपनियां प्रॉफिट में बहुत अच्छा चल रही थी। जी। तो 2010 में जब हमारा BWR 3G का स्पेक्ट्रम का दोनों कंपनियों से लगभग 30,000 करोड़ सरकार ने ले लिया, उसके बाद से दोनों कंपनियों पर बर्डन आ गया। MTNL का जहाँ तक सवाल करें, MTNL के पास 5,000 करोड़ का तो सरप्लस ही था, हम 400 करोड़ तो उसे इंटरेस्ट ही मिलता था तो, और प्रॉफिट भी था। लेकिन उसके बाद से जब हम लोगों ने जो रिवेन्यू आता रहा वो हम इंटरेस्ट में देते रहे, तो हमारा एक्सपेंशन का जो चीज़ थी, डेवलपमेंट का जो अपग्रेडेशन था, वो सब खत्म होगा, हम इंटरेस्ट देते चले गए। अब ऐसे चलता रहा, लेकिन अब हम किसी को, किसी एक सरकार को मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर वो चीज़ गलतियाँ हुई उस वक्त, सरकार मंत्रियों ने हमारे सामने कहा कि ये हमारी नीतियों की वजह से गड़बड़ हुआ है और इनको हमें सुधारना चाहिए। आगे आके जब अभी पिछले सालों में ये मुद्दा जब हम लोगों ने नई सरकार के सामने, अपने मंत्री जी के सामने रखा, उन्होंने भी यही बात की, लेकिन हम हमेशा ये कहते रहे कि अगर पीछे कोई गलतियाँ हुई हैं तो उनको जल्दी से सुधार लिया जाए। लेकिन इतना वक्त करते करते कि दोनों कंपनियों के ऊपर लगातार कर्जा बढ़ता रहा, रेवेन्यू डाउन होता रहा, डेवलपमेंट का काम नहीं, एक्सपेंशन का हुआ नहीं, इसलिए भी डाउन हुआ ना, कस्टमर तो कहीं और भाग गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण, एकदम जब जियो की एंट्री हुई है 2016 में, और उसने अनएथिकली
जिसको गवर्नमेंट की तरफ से भी हम समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री ने खुद फुल पेज एड में अपीयर हुए तो उनके कहने से वे नहीं हुए, वो बात अलग है, पर हुए ना। देखिए प्रीडेटरी प्राइसिंग जिसको हम बार बार बात कर रहे हैं कि अगर कोई कंपनी इतना सस्ता और इस तरह से देने लगे कि उसका बाद में जब ये कंपनी साफ हो जाएंगी तब वो कमाएंगे, आज वो दिखा रहे हैं कि हम बहुत सस्ती सेवाएं दे रहे हैं और उस सस्ती सेवा में सारी कंपनीज को कंपटीशन से बाहर कर दें। जब ये कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे एमटीएनएल बीएसएनएल तो जो लॉस अभी है उसको फिर रिकवर करेंगे। समझ गया आपके। ये एक सबसे बड़ा एक मुद्दा ये भी है कि कस्टमर जब उसको बहुत सस्ती नजर आएगी सेवाएं, कल क्या होगा उसको नहीं मालूम, लेकिन अभी वो फिलहाल जा रहा है। अभी वो फिलहाल उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो हमारा भी रिवाइवल का सरकार ने लिया है, पॉजिटिव लिया है, पर उसमें इतनी देरी हो रही है कि जब तक वो होगा तब तक कस्टमर हमसे बहुत सारा भाग जाएगा। रिवाइवल तो हो ही नहीं रहा, अगर ये रिपोर्ट सही है तो रिवाइवल का प्लान तो खत्म हो गया। हाँ। आर्य जी ये बताइए, पहले कहा जा रहा था अभी आता हूँ बस आर्य जी ये कहा जा रहा था इन दोनों कंपनियों को अगर बंद किया जाए तो पहले कहा जा रहा था बंद करने का खर्चा 95,000 करोड़ आएगा, ठीक है, और रिवाइवल का खर्चा कितना था 74,000 करोड़, 74,000 करोड़, यानी बंद करना महंगा था, रिवाइवल सस्ता था, 21,000 करोड़ सस्ता था। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि सरकार कह रही है कि नहीं इनको बंद कर दिया जाए और वो खर्चा तो कम हो जाएगा, जो बंद करने का खर्चा कम हो जाएगा, यानी बंद करने पे आमादा हैं बचाने पे नहीं। देखिए बेसिक सोच में गलती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ सोशल कॉज भी होते हैं, जो भी प्राइवेट प्लेयर है वो आज पैसा लगा करके कल कमाना चाहता है। मैं एक घटना की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि चेन्नई में बाढ़ आई, अब पूरा चेन्नई पानी में डूब गया। उस समय जो है लोग डिस्कनेक्ट हो गए, किसी एक दूसरे से उसका कोई कनेक्शन नहीं रहा। बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी थी जिसने अपने जनरेटर लगाए, अपने सेट दिए और लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कराया। इस देश के अंदर कौन सा प्राइवेट प्लेयर है जो है इस सोशल कॉज के लिए सामने आएगा? सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आपके पास कोई नेचुरल क्लाइमिटी आएगी उस समय जो है यदि ऐसा रहेगा सोशल स्ट्रक्चर को सरकार ना छेड़े, इसको रिवाइवल करे, और रिवाइवल करने के लिए जो सहयोग बीएसएनएल एमटीएनएल के कर्मचारियों से और मजदूर क्षेत्र के संगठनों से जो सरकार को चाहिएगा हम वो कमा करके देंगे, मगर इस टाइप का जो फिजूल का दिमाग है उसको हटाएं और सारे के सारा काम ब्यूरोक्रेट्स के इशारों पर ना करें, गवर्नमेंट को अपनी भी जो है विल पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। बीएमएस ने क्या निर्मला सीतारामन को चिट्ठी लिख के ये अच्छी बात कही है जो आपने कही? यस यस यस, बीएमएस इज डिटरमिन्ड कि हम जो है जितनी हमारी ताकत है, हम सड़क से लेकर के और टेबल तक जितनी हमारी ताकत है हम बीएसएनएल और एमटीएनएल को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। सेबेस्टियन साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? सी अप टू 2005-06 बीएसएनएल वाज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, our revenue was closer to 40,000 crores. Ji. But 2007 onwards, government started interfering on BSNL. One after another, 4 BSNL mobile tenders got cancelled because of the government interference. And finally, we are able to come out of this one and able to procure a mobile equipment only in 2012-13. From 13-14 onwards, we can see that one further we started growing. Ji. Up to 15-16, we grown and our revenue in 2013 our revenue was 27,000. Then by 15-16, 3 years it has again gone up to 32,000. After Reliance Jio's entry, only it has come down. Ji. And we were at the time of 4G auction. Government DOT told BSNL, you don't participate because you are a government PSU. If you are participating as a government PSU, it will affect the level playing field. So government didn't allow BSNL to participate in the 4G tender. Thereafter, the same DOT told that one, since you are not participated in the 4G tender, you cannot be allowed 4G spectrum because in 2G case there is a Supreme Court order that one, all the natural resources has to be sold only through auction. That means in both way we were affected. Bilkul, bilkul. That is the main reason for this one. सो महेश जी आपने सुना, एक तरफ तो 4G में इनको आने नहीं दिया, इनके पास 4G नहीं होगा तो इनकी सर्विस जो है बाकी लोगों से खराब होगी प्राइवेट वालों के वजह जिनके पास 4G स्पेक्ट्रम है, तो जानबूझ के इन कंपनियों को ख़त्म किया जा रहा है क्या? और जो सरकार आपकी ये कह के आई थी कि साल में 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, MTNL BSNL में 1,65,000 नौकरियाँ जा रही हैं, तो ये कहाँ का लॉजिक हुआ? आपको नौकरी बचानी चाहिए कि ख़त्म करनी चाहिए लोगों की? भारत जी
भारत जी, आपके सामने जो है देश में ऐसी 10 से 12 कंपनियां थी जो मोबाइल कंपनियां थी, जिसमें एयरसेल था, स्वान था, इसी तरह से श्याम टेलीकॉम था, जो मोबाइल ऑपरेटर्स थे वो बंद हो गए ना। बिल्कुल, उनके पास 4G भी था, 5G भी था, तो उनके बंद होने का कारण ये नहीं हो सकता है ना, नहीं जो कहा था ना कि 4G में ऑक्शन में हिस्सा मत लीजिए, उनको नहीं कहा था, आप जो ले नहीं पाए, जो कंपनी ले सकती थी उसमें हिस्सा, उसको पहले मना किया और बाद में कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। वहाँ नहीं है, वहाँ दिक्कत नहीं है भारत जी, वो दिक्कत यहाँ पर है कि लैंडलाइन का जमाना नहीं रहा, BSNL का जो स्ट्रक्चर था, वो तो मोबाइल सर्विस भी दे रहे हैं, इंटरनेट भी दे रहे हैं, लैंडलाइन भी दे रहे हैं, कोई इंटीग्रेटेड सर्विस सबसे पहले BSNL MTNL दे रही है, ये कंपनियां तो बाद में आई, इंटरनेट भी दे रहे हैं, लैंडलाइन भी दे रहे हैं और मोबाइल भी दे रहे हैं। आपकी बात सही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रभावित किया है किसी चीज़ को, वो ये कि भाई जिस तरह का आज ज़माना है हमारा, कि हम 4G 5G रहने के बावजूद भी रेट जिस तरह का है, जिस तरह के कमतर रेट पर चीज़ों को सर्विसेज दी जा रही है, वो भी एक चैलेंज है, वो भी एक चुनौती है। आज की डेट में सरकार को मदद करनी चाहिए ना, MTNL BSNL की, उनकी मदद करनी चाहिए कि रिलायंस जियो की मदद करनी चाहिए, आप बताएं। हाँ वही, आप आपको वही वही नहीं नहीं ये तो आपका ये आपका आरोप हो सकता है, ये आपका आप इस चीज के लिए कह सकते हैं। अरे प्रेडेटरी प्राइस है तो आपको कंपटीशन कमीशन में जाके उनको रोकना चाहिए था, क्या नहीं है। अच्छा नौकरियों का बताइए, ये VRS क्यों नहीं दे देते हैं लोगों को, अगर खत्म करना ही है तो VRS सबको दीजिए। कहा जा रहा है कि 3 कैटेगरी है, एक कैटेगरी को VRS मिलेगा जो डेपुटेशन पे है, जो इंडियन टेलीकॉम सर्विस पे है, पहली बात की कहीं और अकोमोडेट किया जाएगा, डायरेक्ट वालों की सैलरी बहुत कम है तो उनका कुछ भी नहीं होगा, ये क्या बात हुई। धूल में भारत जी आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस में खबर छाप देने से, जैसे अभी हमारे अजय जी भारतीय मजदूर संघ से जो कह रहे थे, उनकी बात सही है कि रिवाइवल की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। मैं आर्य जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत पेट्रोलियम कंपनी तो प्रॉफिटेबल है ना, BPCL प्रॉफिटेबल है, उस कंपनी के शेयर सरकार क्यों बेचना चाहती है? केवल इसलिए कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना खराब है कि फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के लिए आप अपने घर के गहने बेच रहे हैं? मैं तो आपसे एक बात कहता हूं जी, कि पब्लिक सेक्टर, नॉट ओनली BPCL, जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, अभी पावर ग्रिड की दो लाइंस जो है 10,000 करोड़ में बेचने की तैयारी है। मैं ये कहता हूं कि पब्लिक सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही खरीद फरोख्त करने दीजिए, प्राइवेट को उसमें एंटर मत करने दीजिए। आप कैप लगा देते हैं कि इसमें जो है कोई भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर बिडिंग नहीं करेगा जी। तो हम ये कह रहे हैं कि उसके कर्मचारियों को जितना पैसा आपको चाहिए, पब्लिक सेक्टर के सब पब्लिक सेक्टर्स के शेयर्स को उसके कर्मचारियों को थोड़ा सा ठीक छूट देकर के उनको बेचिए, उनसे पैसा लीजिए। ठीक है, 30 सेकंड में बताइए, BPCL को पहले कहा जा रहा था कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को भेज दिया जाए, जो आर्या जी कह रहे हैं सरकारी कंपनी का शेयर सरकारी कंपनी ले लेगी, इसमें भी वित्त मंत्रालय कह रहा है ये गलत है, इससे मोनोपोली हो जाएगी, आप प्राइवेट प्लेयर्स को लाइए। क्यों लाइए? इसलिए कि आपको पैसा होगा ना ज्यादा से ज्यादा। मैं ये कहता हूँ कि कौन प्राइवेट प्लेयर अपनी बीवी का गहना या अपनी जायदाद बेच करके जो है इनको खरीद रहा है, वो जो पब्लिक का पैसा बैंक में है वो बैंक से लोन लेता है और उस शेयर को खरीदता है। कोई जो है अपनी जायदाद खरीद के ला रहा हो और खरीद रहा हो तो हम मानते हैं। 10 सेकंड, समय बिल्कुल समाप्त हो गया। नहीं देखिए, पब्लिक सेक्टर के हम एक सबसे बड़ा इसका जवाब ये है कि पब्लिक सेक्टर को इंडिया में रहना जरूरी है देश की इकोनॉमी के लिए। इंडिया अभी उस स्थिति में नहीं है कि जहां प्राइवेटाइज कर दें, आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आपकी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती। BPCL को प्राइवेट को बेचना बहुत बड़ा अन्याय होगा देश के साथ और वहां के कर्मचारी और उनके साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।